भी है मेरी शॉपिंग, ज्यादा तो कुछ नहीं, एक आधी चीज ली है क्योंकि अभी पूरी रात नहीं कल सोए, पता नहीं क्यों उनको नींद नहीं आई। मुझे समझ नहीं आ रहा जो उनको मैं रखूं या मैं उनको डोनेट कर दूं, क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। आप कमेंट करके जरूर बताना, मुझे कुछ सजेशन देना कि एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी अगर आप लोग मेरी थोड़ी हेल्प करोगे। शमिस्ता 3 इज गोइंग फॉर हिज हेयर कट। बहुत छोटे करा देने, इतने छोटे करा देने। आदमी कट कराना, टकले ही हो जाओ, उसमें क्या है? मेरा आदमी कट पता मेरे को कैसे बात, आज टकले हो जाओ। आपने टेंशन देखी है? टेंशन नहीं, अक्षय कुमार की? हाँ देखी है मैंने, करीना कपूर वाली। अच्छा करीना कपूर, हाँ हाँ छोटे, तो आज आप हो जाओ। पता क्या, जब तुम बाल कटा लोगे ना, तुम्हें कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ जाएगा जिसमें तुम्हारे बाल चाहिए होंगे। ये तो मेरे साथ होती है। सो हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल, कैसे आप सब लोग। सो गाइस, टाइम हुआ है 8:10 और अभी हम लोग जा रहे हैं सबसे पहले अभय के बाल कटाने, फिर आरुष भी बाल कटवाएगा, उसके बाद जाएंगे हम मॉल, क्योंकि मॉल से मुझे कुछ बहुत ही जरूरी चीजें लेनी है। बट पता नहीं, और रोशनी का 9:30 बंद हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, वेबसाइट बंद हो जाता है, देखते बंद हो जाएगा, फिर कल चल लेंगे, फिर और क्या करेंगे, कल थोड़े दिन में चल लेंगे। नहीं एक काम करना, जब तू आरुष को छोड़ने जाएगी ट्यूशन, तब तू इधर आ जाना, ऐसा कुछ कर लेंगे ना। और सो अभी बस जा रहे हैं, पहले लोखंड वाला हेयर कट करवाने, फिर देखते हैं यार कितने बजे हम पहुंचेंगे मॉल। आजकल बिंदी बड़ा पहनने लगी है। या आई लाइक इन वेस्टर्न में थोड़ा अच्छा लगता है ना। ये आ गए इनकी छोटे मियां और बड़े मियां की जोड़ी। छोटे मियाँ लेट्स गो, अभी नहीं खोलना। ओए सॉरी सॉरी, इसलिए बोलती हूँ बॉयज के साथ रहो, उधर फिर गर्ल्स वाले में जाना पड़ता है। सो गाइस, हो गई है मेरी शॉपिंग, ज्यादा तो कुछ नहीं, एक आधी चीज ली है, एक आधी तीन ली है, बट वो बहुत ज्यादा जरूरी थी। एक आधी को डबल से मल्टीप्लाई कर, सो अभी जाएंगे तुसी हेयर कट इत्थे कराना है? नहीं नहीं, सो अभी हम लोग जा रहे हैं लोकल वाला मार्केट, क्योंकि अभी को हेयर कट करवाना है। क्या है? कस्टर्ड पानी, होममेड पानी, नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल पानी ना, स्मॉल होममेड पानी। So, यहाँ पर मिलती है एकदम घर वाली चाय, मुझे चाय की थी। पास्ता भी है क्या नकड़ में? फोटो तो लाइए, इतना कोई मैं हेयर कट रह जाएगा मंदिर में। चलो पीछे कुछ याद आ रहा, कुछ खाने का भी ले रहे हैं हैं? खाने भी लग गया, पोहा पोहा पोहा। Where are you going, बेदी जी? We are going for walk. सोचो मॉल से शॉपिंग करके सीधा हम घर नहीं जा रहे, हम लोग सीधा जाएंगे वॉक। हाँ। क्योंकि अभी आज जिम गए नहीं, हाँ। तो अभी आज चलो वॉक करेंगे। Yeah. छोटी, my boy. Next morning. Hello, जी, सत श्री अकाल, good morning, welcome back to our channel. अभी time हुआ है 2:30 दोपहर के, next day. एक्चुअली कल हम लोग मॉल वगैरह गए शॉपिंग के, उसके बाद वॉक की। वॉक मैंने कल की 5 किलोमीटर, मतलब मॉल भी हम लोग पैदल चल के गए, फिर वापस चल के आए, देन पूरा बैक रोड घूमा, तो पूरा कल मेरी 5 किलोमीटर वॉक हो गई और बैंड बज गई यार। बट अच्छा फील हुआ, क्योंकि कल ना रात को मेरी लेग्स बिल्कुल भी पेन नहीं हुई, और डॉक्टर ने कहा ही था कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो ये जो पेन है वो डे बाय डे कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी लेग्स वगैरह में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो यू नो अच्छे से फ्लो करने लग जाएगा। सो अभी मेरा ये है कि मैं मिनिमम 3 किलोमीटर तो कर लेती हूँ, चलो कल 5 होगी तो कोई बात नहीं, कभी बार चलता है, बट 1-1.5 घंटा तो उन्होंने मिनिमम वॉक करने के लिए बोला ही बोला है। और अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट भी हो गया, मेरा लंच भी हो गया है, और अभी सो रहे हैं, क्योंकि अभी पूरी रात नहीं कल सोए, पता नहीं क्यों उनको नींद नहीं आई, तो
तो मॉर्निंग 7 o'clock उठ के कहते मैं जा रहा हूँ जिम, क्योंकि मेरे को नींद नहीं आ रही है, तो मैं जिम करके आके फिर सो जाऊँगा। अदरवाइज़ अगर वो सुबह 7 बजे सोते ना तो पूरा दिन उनका वेस्ट होता, तो उन्होंने सोचा कि मैं डे वेस्ट नहीं करना चाहता, तो अभी मैं जिम चला जाता हूँ। तो जिम से आई थी वो आ गए थे वापस, 7 बजे गए थे, 10 बजे तक वापस आ गए थे, और अभी 1-2 घंटे नैप ले रहे हैं, फिर उसके बाद गाड़ी ठीक कराने जाना है, गाड़ी में कोई इशू आ गया है। सो ये है फ़िलहाल अपडेट, और मैं वेट कर रही हूँ अपनी हेल्पर की, क्योंकि मुझे आज पूरी अलमीरा अपनी साफ़ करनी है, मेरे सारे कपड़े बाहर ही पड़े हैं अभी बैठ के, पता नहीं यार बहुत आलस सा आ रहा है। मतलब एक होता है कि चल मैं बैठ जाती हूँ, धीरे 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 ना सारी सेटिंग कर देती हूँ, फिर सुस्ती मार जाती, कुछ खाती हूँ तो नींद आ जाती है। तो अभी मैं सोच रही हूँ मैं कर ही लूँ, वेट कर रही हूँ वो आ जाएँ, क्योंकि वो दीदी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से ये सारा यू नो सेट करा देती है मेरा। तो बस उनका वेट है, जैसे आते हैं तो फिर पूरा आज अलमीरा वगैरह अपना पूरा मेकअप की जो भी मेरी वैनिटी है सारा सेट करती हूँ, और आपको मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में। सो गाइज़, आप लोग काफ़ी कमेंट्स करते हो और पूछते हो कि मैं कौन सी लिपस्टिक लगाती हूँ। वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी कोई एक परमानेंट लिपस्टिक है जो मैं एवरीडे लगाती हूँ, मैं यू नो चेंज करती रहती हूँ यार। अभी फ़िलहाल जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैंने अभी रिसेंटली ऑर्डर किए हैं ये 2 लिपस्टिक्स, जो कि है गश ब्यूटी की, और ये सीरियसली बहुत अच्छी हैं। ये आई थिंक आपको 900 रुपीज़ या 1000 के अंदर मिल जाएंगे, और आपको 4 शेड्स मिलेंगे डिफरेंट। बट बेस्ट पार्ट इनका ये है कि ये जो शेड्स हैं वो आप एज अ ब्लशर भी यूज़ कर सकते हो। मतलब आपको बहुत ज़्यादा डार्क लगानी है तो ऑब्वियसली आप पूरे लिप्स पे लगा लो, पर अगर आपको हल्के से टिंटेड लिप्स रखने हैं, लाइक जैसे मैं रखती हूँ, तो हल्का सा 2 डॉट लगा के उसको अपने ब्रश, जो लिप ब्रश होता है, या अच्छे से फिंगर्स इस तरह से स्प्रेड कर दो, तो मैं यूजली यही करती हूँ, तो थोड़ा नेचुरल सा लुक आ जाता है। और इन्हीं को फिर मैं यहाँ पर डॉट डॉट करके एज अ ब्लश भी यूज़ कर लेती हूँ। और इन्होंने मतलब मैंने 8 शेड्स ले लिए 1800 रुपये में। यूजली एक लिपस्टिक आपको मिलती है 600 की, 800 की, 1000 की, तो मैंने ये 900 या 1000 रुपीज़, आई एम नॉट श्योर क्या प्राइस था इसका, तो मुझे 4 शेड्स मिल गए, तो मैंने 2 मंगवाए हैं डिफरेंट कलर्स के। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं हर ब्लॉग में यही यूज़ करती हूँ, मैं हर ब्लॉग में अलग अलग लिपस्टिक यूज़ करती हूँ। आई थिंक एक मेरी फेवरेट और है, जो कि है ये रेने की, जो मैं यूजली लगा लेती हूँ, वो ये इस तरह से ये शेड है उसका, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला शेड। सो डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं यार, कोई एक लिपस्टिक नहीं रहती है, मामाअर्थ की भी हैं और भी काफ़ी लिपस्टिक्स हैं। बट हाँ, अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्लॉग पे पूछोगे तो उसमें कौन सी मैं लगाई वो मैं आपको बता सकती हूँ, बट फिलहाल ये लिपस्टिक्स हैं जो मैं यूजली ही यूज़ कर रही हूँ। और अभी मैं कर रही हूँ अपने रूम को क्लीन, कपड़े दे के चक्कर आ जाते हैं यार, अभी मुझे समझ नहीं आ रहा जो मेरे कपड़े टाइट हो चुके हैं उनको मैं रखूँ या मैं उनको डोनेट कर दूँ, क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे कपड़े हैं और आधे से ज़्यादा मैंने पहने नहीं हैं। और अभी वेट लॉस का तो अभी दूर दूर तक मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, आफ्टर डिलीवरी भी मैं इंस्टेंट वेट लॉस तो कर नहीं सकती हूँ, तो समझ नहीं आ रहा कि उसको एक बॉक्स में पैक करके साइड में लगा दूँ कि जब भी फ्यूचर में वेट लॉस होगा तब मैं वो पहन लूँगी, या फिर तो फैशन भी चला जाएगा। वो ऐसे कपड़े हैं, मतलब ट्रेंडी मैंने ख़रीदे थे, बट मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, और अगर मैं सोचूँ 1.5-2 साल बाद मैं ये दोबारा रिपीट करूँ तो ट्रेंड भी चेंज हो जाएगा, तो अभी क्या करूँ, रखूँ ना रखूँ, थोड़ा सा डाइसी है। लेट्स सी, अभी से पूछती हूँ क्या बोलते हैं, क्योंकि कपड़े इतने रखने की जगह नहीं है, और अभी अभी जो मेरा पीरियड चल रहा है उसमें मैंने नए क्लोथ्स मंगवाए हैं, बट ऑब्वियस है क्योंकि पुराने टाइट हो चुके हैं तो मैं पहन नहीं सकती हूँ, और अभी जो मैंने मंगवाए हैं वो बहुत ज़्यादा लूज़ मंगवाए हैं, वो भी जब मैं आगे फिट हो जाऊँगी तो मैं वो नहीं पहन पाऊँगी, तो अभी फ़िलहाल मैंने ज़्यादा नहीं मंगवा रही हूँ, बहुत लिमिटेड मैंने क्लोथ्स मंगवाए हैं जो लूज़ हैं, क्योंकि वो 9 महीने या 1.5 साल तक आप पहन सकते हो, उसके बाद तो मुझे फिट होना ही है, वो तो है ही मेरे उसमें क्या बोलते हैं चार्ट में कि इतने टाइम बाद मैं अपना यू नो फिटनेस चालू कर दूंगी। बट हाँ, ये जो लूज़ क्लोथ्स हैं वो फिर आगे नहीं पहने जाएंगे, तो मैं नहीं चाहती कि मैं ज़्यादा अभी और लूज़ क्लोथ्स
मंगवाऊँ या उन पर पैसा वेस्ट करूँ। सो जो भी मैंने मंगवा रखे हैं बस मैं वही अब यूज करूँगी। बाकी लेट्स सी क्या होता है। सो अब यहाँ पर सो रहे हैं, मतलब अभी सो रहे हैं, बट टीवी भी चल रहा है, फोन पे वीडियो भी चल रही है उनकी। पता नहीं उनको कैसे नींद आ जाती है, बट वो पूरी रात को भी जब सोते हैं ना तो फोन पे कुछ ना कुछ सुनते ही सोते हैं। कहते हैं अगर मैं नहीं सुनूंगा तो मेरे को नींद नहीं आती है। और मेरा एकदम ऑपोजिट है, मुझे हल्की सी भी अगर कुछ यू नो आवाज़ आ जाए तो मेरी नींद टूट जाती है। तो मैं तो बिल्कुल भी शोर शराबे में सो नहीं पाती, बट अभी को शोर शराबा चाहिए होता है सोने के लिए, तो ये थोड़ा सा मुझे स्ट्रेंज लगता है। और अभी जा रही हूँ यार अपना सारा काम वाम करने जो भी पेंडिंग है। सो ये जो आज का व्लॉग है मैं यहीं पर एंड करती हूँ। सो आपको मिलूंगी कल सुबह नए व्लॉग में, सुबह तो नहीं कल शाम को नए व्लॉग में। तब तक आप ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और थैंक यू सो मच। आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं और कोशिश करती हूँ जो भी कमेंट्स आते हैं तो मैं उनका रिप्लाई दे दूँ, और जिनका नहीं दे पाती तो उनको मैं एक प्रॉपर वीडियो में फीचर कर दूँगी। मतलब जो काफ़ी बड़े हैं या काफ़ी कुछ मतलब जानना चाहते हैं तो वो व्लॉग में उनको आंसर करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो एक मैं प्रॉपर व्लॉग लेके आऊँगी या वीडियो लेके आऊँगी जिसमें सारे आपके क्यू एन ए होंगे, तो वो बहुत ही जल्दी आएगी। और बस फिलहाल अभी मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ, आपको मिलती हूँ कल। बाय।